दिल्ली में जारी तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक और कुछ प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इसके साथ ही कश्मीर में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। राजनाथ सिंह ने सीमा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा भी की। रियासत की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री से घाटी के मौजूदा हालातों पर चर्चा की और हालातों को बेहतर बनाने के लिए बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया। बीते रविवार को कश्मीर के कुलगाम जिले में मलबे के नीचे दबे ग्रेनेड फटने से 7 स्थानीय नागरिकों की मौत के विरोध में जम्मू में वफा फाउंडेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान परवेज वफा ने कहा कि इस एनकाउंटर की जांच कराई जाए। स्कूलों की लाइब्रेरी और सार्वजनिक पुस्तकालयों में भागवत गीता और रामायण को उर्दू संस्करण में पढ़ाए जाने पर विवाद बढ़ने पर सरकार ने फैसले को वापस ले लिया है। बता दें, सरकार ने 4 अक्टूबर को एक बैठक में यह फैसला लिया था, जिसमें लिखा था कि स्कूलों और पुस्तकालयों में इन दोनों ग्रंथों को उर्दू संस्करण में पढ़ाया जाए। वहीं इस आदेश के आने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस फैसले पर निशाना साधा था। अपने ट्वीट में उमर ने लिखा था, केवल गीता और रामायण ही क्यों, अगर इन दो ग्रंथों को स्कूलों पुस्तकालयों में रखना ही है तो फिर बाकी धर्मों के ग्रंथों को क्यों नजरअंदाज किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मंच के सदस्यों ने बताया कि इस मंच को बनाने का मकसद सिर्फ महिलाओं के हित में आवाज उठाना है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि अगर कहीं भी महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला सामने आए तो तुरंत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को बताएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में एनकाउंटर साइट पर मारे स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में प्रदर्शन किया। एनसी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उनके इन प्रयासों को विफल कर दिया। वहीं स्थानीय नागरिकों की मौत के बाद घाटी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में आज भी कई स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद देखने को मिले। कश्मीर में जम्मू कश्मीर यूथ डेवलपमेंट फोरम द्वारा जम्मू कश्मीर में ट्राइबल इन्वेजन के जरिए राज्य में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रियासत में इन हालातों के पीछे पाकिस्तान की एजेंसियों का हाथ है। पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद उधमपुर जिला प्रशासन ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीसी उधमपुर ने बताया कि पहले चरण में उधमपुर जिले के 4 ब्लॉक में चुनाव होंगे, जिसमें 42 पंचायतें शामिल हैं। इसके साथ ही डीसी ने बताया कि इसके लिए प्रशासन ने सभी आरओस की भी नियुक्ति कर दी है।